आप सबको जय जोहार। मेरे और एक वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आशा रखती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो अभी का जो टाइम है वो सुबह का 5 बज रहा है और मैं उठ के फ्रेश होके मैगी बना ली हूँ, क्योंकि मुझे फटाफट खाना है और निकलना है। आज मैं जा रही हूँ घर से काफ़ी दूर, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा मैं एक ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट हूँ और अभी वेडिंग सीज़न चल रहा है। अभी जनवरी फरवरी का टाइम है और अभी वेडिंग सीज़न चल रहा है, तो मुझे दूर दूर जाके ब्राइडल मेकअप सब जो है मैं करती हूँ, और मैं आज मेरा वही काम है। तो फटाफट नाश्ता कर रही हूँ, सुबह का टाइम है क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना है, तो इसलिए मुझे बस स्टॉप से जो है बस लेना है। मेरा बैग रेडी है एंड बस स्टॉप जाने के लिए मुझे टोटो चाहिए। तो मुझे टोटो पहले से मैं रेडी करके रखी थी, मतलब बोला गया था आने के लिए। तो आप लोग देख ही सकते कितना अंधेरा है, अभी बज रहा है 5:30 पौने 6, ऐसा कुछ टाइम हो रहा होगा। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इस वक्त घड़ी नहीं देख रही थी, मैं बस वेदर देख रही थी कि वेदर बहुत ज़्यादा जो है ओस गिर रही थी और बहुत अंधेरा था। और सुबह सुबह मैं निकल गई थी, सुबह इतना अंधेरा हो तो मुझे पता नहीं था। तो एक्चुअली उस दिन बहुत ज़्यादा जो है ओस गिर रहा था, इसलिए बहुत अंधेरा था सुबह तक भी। तो मैं बस स्टॉप पहुँच के मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि घर में टाइम हुआ नहीं फटाफट पीने के चक्कर में। तो ये वाला बस पर मैं जाने वाली हूँ और ये बस छूटेगी 6:25 में, तो मैं वेट कर रही थी कि कब हम जाएंगे। तो बस छूटने की इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि मुझे टेंशन हो रहा है कि मैं वहाँ पर टाइम से पहुँच पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि मुझे जाना है बिंदागुड़ी, जो कि काफ़ी दूर है जलपाईगुड़ी से। तो अभी जो है बस छूटने वाली है और देख ही सकते हैं कितना ओस गिर रहा है अभी तक कि कुछ दिख नहीं रहा है। बस छूट चुकी है और मुझे ना बस चेंज करना पड़ता है। यही बस जो है बिंदागुड़ी तक नहीं जाएगी, तो मैं धूपगुड़ी से जो है दूसरा बस जो है मैं लूँगी। तो देखिए 7 बज गए हैं और अभी भी ओस कम नहीं हुआ, इतना ओस कि दिख नहीं रहा है रास्ता सही से कि गाड़ी वाड़ी आ रहा है जा रहा है कैसे कुछ, इसलिए बहुत ही केयरफुली हम जा रहे हैं। तो आप देख ही सकते हैं ये दूसरा बस है, मैं दूसरा बस ले ली हूँ बिंदागुड़ी के लिए और ये मुझे बिंदागुड़ी पहुँचा देगी। तो मैं फाइनली पहुँच गई हूँ बिंदागुड़ी और यहाँ पे जो है मैं जहाँ पे ब्राइड का घर है वहाँ पे पहुँच के मैं अपना सामान रेडी कर ली हूँ। एंड ब्राइड जो है अभी आएगी और मैं फटाफट उनको रेडी करना स्टार्ट कर दूँगी। ब्राइड को मुझे पहनाना है साड़ी, वो ये ब्राइड साड़ी पहनने वाली है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ अपने काम के लिए कि कब मैं शुरू करूँ। और हमेशा मैं पूछ ही लेती हूँ ब्राइड को कि ब्राइड को कैसे लुक चाहिए ऐसे। तो ब्राइड के कहे अनुसार जो है मैं ब्राइड को रेडी कर ली हूँ और अभी बच रहे हैं 11:15 ऐसा कुछ हो रहा है। एंड उनको थोड़ा सा लेट हो चुका है, तो अभी जल्दी जल्दी जाना है उनको चर्च, इसीलिए फिर मैं जल्दीबाजी फ़ोटो वीडियो ले रही थी ताकि आप लोग के साथ मैं शेयर कर पाऊँ, जो कि मैं फेसबुक एंड इंस्टा में डाल पाऊँ अपना काम। एंड बहुत ही सटल लुक दी हो, डे मेकअप लुक मैंने किया है ब्राइड के कहे अनुसार। तो अभी जो है रिसेप्शन के लिए मैं अपनी जो भी तैयारी है वो मैं करके रख रही हूँ, क्योंकि मुझे उनको रिसेप्शन के लिए भी रेडी करना है। तो वो चर्च से आ चुकी है एंड अभी जो है उनका वेलकम किया जाएगा घर में, उनका और उनके हस्बैंड का। तो यहाँ पे जो गेट बंद करके जो रस्म चलता है ये वही हो रहा है। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगने के बाद में वो लोग अंदर आएंगे एंड बाकी जो रस्म वगैरह है वो लोग करेंगे। उसके बाद में मैं ब्राइड खाना खा लेगी ब्राइड, क्योंकि अभी तक भूखी है, उपवास रहना पड़ता है, फास्ट रखना पड़ता है, तो अभी तक खाई नहीं है, तो इसीलिए वो खाना खा लेगी। देन फटाफट अपना काम स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे लौटना है, क्योंकि मेरा घर है बहुत दूर और इसीलिए मुझे लग रहा है कि कब ख़त्म होगा इनका रस्मों रिवाज और कब फटाफट अपना काम करूँगी मैं थोड़े, क्योंकि मुझे लौटना भी होता है ना। तो मेरे साथ वो लोग बहुत कॉपरेट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वो आ गए हैं और अभी देखिए वो लोग अभी खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद जो है मैं भी उनका रिव्यू लूँगी, तो रिव्यू सुनिए कि उनको आज का मेकअप कैसे लगा। सो हेलो एवरीवन, ये है आज की मेरी क्लाइंट पूनम दी एंड ये इनके हस्बैंड, न्यूली मैरिड कपल। कॉन्ग्रेचुलेसन फर्स्ट ऑफ ऑल। और आज मैं दोनों से पूछूंगी कि आज का मेरा जो ये मेकअप लुक मैंने दिया दीदी को, वो आपको कैसे लगा बताइए पहले आप। मुझको बहुत अच्छा लगा, मतलब जैसे आप चाह रही थी वैसे आपको लगा वैसे ही हुआ, और सबको पूरा कमेंट कर रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ,
एक्चुअली जैसा हम चाह रहे थे वैसा था। नहीं चाह रहे थे बहुत हैवी मेकअप, लाइट मेकअप मांग रहे थे, तो वही हुआ। आई एम वेरी हैप्पी विद इट। थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे सर ने बुकिंग किए थे, तो मैं वही सोच रही थी सर को मैं खुश कर पाऊंगी कि नहीं, मुझको ये टेंशन था। सर और नेवल हो सर। ओके ओके, थैंक यू नेवल एंड थैंक यू दी, आप दोनों को और एक बार मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू। तो आप लोग देख ही सकते हैं मैं यहाँ पे जो है रिसेप्शन के लिए भी मैं लड़की को भी रेडी करती हूँ, एंड वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे दोनों ही, ब्राइड एंड ग्रूम दोनों ही। ग्रूम तो बहुत ही ज़्यादा खुश है अपनी ब्राइड को देख के कि वाओ कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो, मतलब नज़र हटाई नहीं हट रही जैसे हालत है। और तो फिर मैं फटाफट खाना खाती हूँ क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, हम सबको बोल रहे थे जल्दी खा लो तुम, तो मैं फटाफट खाना खाती हूँ और मैं निकल पड़ती हूँ अब बस के लिए। तो मैं फिर जाती हूँ धूपगुड़ी, मुझे ये जो ग्रूम है उनके ही गाड़ी में मुझे पहुंचा दिया जाता है, तो मैं भी निकल रही हूँ। एंड ग्रूम का जो वेडिंग गाड़ी होता है उसी में मैं जा रही हूँ धूपगुड़ी, क्योंकि यहाँ से जो है मुझे बस नहीं मिलेगी, 6:30-7 ऐसे कुछ बज चुके हैं, तो मैं रिस्क लेना नहीं चाहती हूँ। और बेकार में गाड़ी के लिए वेट करने से अच्छा है कि मैं बस स्टॉप चली जाऊँ, तो मैं धूपगुड़ी से गाड़ी लेके वापस घर चली आती हूँ। तो ये मेरा आज का व्लॉग था, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा एंड मेरा काम अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोगों के लिए और भी अच्छा अच्छा ऐसे वीडियो लाते रहूँगी। तो या अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अपना ध्यान रखिए।